सदियां गुजर जाती हैं, पर किसी कलाकार का काम और नाम अमर हो जाता है। जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया होगा तो शायद उसे इतनी उम्मीद ना होगी कि आज से सैकड़ों साल बाद ये प्यार की इतनी बड़ी निशानी बन जाएगी। जी हाँ, अच्छा काम लोगों के दिलों में हमेशा राज करता है। लोग आते हैं और कहानियों को आगे सुनाते चले जाते हैं, और ऐसी ही एक खूबसूरत कहानी सुशांत सिंह राजपूत की हमारे बीच में। हिंदी सिने जगत की जब भी अनोखी कहानियों का जिक्र आएगा तो गुरुदस्त से शुरू होकर वो सिलसिला सुशांत सिंह राजपूत तक होता हुआ और आगे तक जाएगा। आज सुशांत हमारे बीच में नहीं है, बट उनकी एक फिल्म दिल बेचारा अभी रिलीज के लिए बाकी है। मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग दिल बेचारा देखने जाएं, यही हमारी सुशांत सिंह राजपूत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस टॉपिक को लेके हमने बहुत से लोगों से बातें की, उनका रिएक्शन जाना, और आप यकीन मानिए कि उनकी बातें वही हैं जो आपकी बातें हैं। उनका प्यार सुशांत के लिए कल था, आज है और हमेशा रहेगा। सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा मूवी हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है, और इस मूवी के रिलीज़ को लेकर मुझसे दो सवाल पूछे गए हैं कि आप इस मूवी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, और क्या हॉटस्टार पे देखना ज़्यादा पसंद करेंगे या किसी सिनेमा हॉल में जाकर देखना पसंद करेंगे। तो पहले सवाल का जवाब तो मेरा ये है कि इस मूवी को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं ये मूवी ज़रूर ज़रूर देखूँगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स में से हैं, और भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन मेरे लिए मेरे दिल में हमेशा वो एक अव्वल दर्जे के एक्टर रहेंगे। और दूसरे सवाल का जवाब ये है कि मुझे मूवी देखना पसंद है, सिनेमा में भी जाना पसंद है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिनेमा में ही देखूं मैं मूवी। अगर मुझे हॉटस्टार पे देखने को मिल रही है तो मैं आराम से लेट के भी देख सकता हूँ। तो ये है कि एकांत में भी देखा जा सकता है मूवी को, और कोरोना पैंडेमिक की वजह से जो चीज़ें हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, अब उसमें हमारा कोई कंट्रोल तो है नहीं। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि हाँ, सिनेमा हॉल में जाके देखने की बात कुछ और होती है, क्योंकि वहाँ पे माहौल कुछ और होता है, लेकिन हाँ, हॉटस्टार पे आ रही है तो हॉटस्टार पे भी बिल्कुल देखूंगा, और आप लोगों को भी बोलूँगा कि आप ज़रूर देखिए। सुशांत सिंह राजपूत सडनली हमें छोड़कर चले गए, लेकिन हाल ही में दिल बेचारा उनकी लेटेस्ट रिलीज्ड थी, उनकी लास्ट रिलीज्ड थी अनफॉर्चुनेट, वो अब रिलीज हो रही है OTT प्लेटफॉर्म्स पर। अभी हाल ही में सिचुएशंस को देखते हुए OTT प्लेटफॉर्म्स का कदम ही बेस्ट है, तो मेरे हिसाब से इसको बड़े पर्दे पर रिलीज़ करने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग इसको नहीं देखने जाएंगे अनफॉर्चुनेटली। सो आई विल डेफिनेटली वॉच बीइंग एन OTT सब्सक्राइबर, एंड यू ऑल्सो प्लीज़ डू डेफिनेटली वॉच एंड डू गिव हिम अ ट्रिब्यूट। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सुशांत सिंह राजपूत की आने वाली फिल्म दिल बेचारा को देखने के लिए, जो कि 24 जुलाई को हॉट स्टार पर रिलीज़ हो रही है। अगर ये फिल्म हॉट स्टार की बजाय अगर बड़े पर्दे पर रिलीज होती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि जो उनका खिलखिलाता हुआ चेहरा है वो अगर मैं बड़े पर्दे पर देख पाता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन अभी देश की सिचुएशन ऐसी है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, हॉट स्टार पर देखेंगे हम। जब हमें वो एक्टर ही पसंद है तो छोटा पर्दा सही। वैसे मैंने उनकी फिल्म MS धोनी जब आई थी वो देखी थी, गजब की एक्टिंग की थी उन्होंने और गजब की एनर्जी भी थी उसमें। अभी जो उनकी फिल्म सुसाइड से पहले जो फिल्म आई थी छिछोरे, मैंने वो फिल्म देखी थी, उसमें तो एक गजब का मैसेज दिया था उन्होंने जिसे सब लोगों को देखनी चाहिए वो फिल्म, और ये भी फिल्म सब लोगों को देखनी चाहिए। मैं तो देखूँगा, हॉट स्टार पर आएगी ये फिल्म। Everyone, I am a very very big fan of Sushant Singh Rajput. I like all his films, but one of the favorite film is MS Dhoni. The character played by Sushant in this film is really really very praiseworthy. As we all know, sudden demise of Sushant has kept all of us in a very shocked mood.
It is very hard to believe that how such a cool and talented person has ended up his life like this way. Today I am excited and heartbroken also. It is a good decision that people have taken to release his movie on Hotstar, Dil Bechara. And heartbroken because this is his last movie. Now further we can't see any such movies made by this talented actor. It is really better or good that the movie must be released on theater so that all people can get in touch with emotions made by Sushant in this film. But I think that it is impossible to release this film on theater due to such a pandemic situation. I thought that a film must get a second chance to be released on the big screens after this pandemic get over. We really miss Sushant Singh Rajput's talent act, and we really love you and miss you, SSR. I'm not very fond of movies, but there was this one movie that I liked the most in all of my cinematic experiences, and it was Kedarnath. And the character Sushant Singh Rajput played Mansoor really charmed up the movie. But now that his new movie is releasing and after Sushant Singh's death, I am not really sure how I feel about this movie. I am excited about it. I really want to watch it. But on the other hand, I do not have the guts to, you know, go for it. But yeah, it is nice that they are releasing this movie, because I believe that it would have been better if it was released in the theaters. But as we are not very sure and we about the intricacies of how it works, but I think that there are a lot of technicalities that we do not understand, and they are releasing it on Hotstar, and maybe it would have been tougher to release it on the screens, you know, cinema later on, and it could have affected on the popularity of the movie as well, because right now there are a lot of people who really want to watch this movie, and it would not be the same, you know, 1 year later.